हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेबो किड्स। आज हम सीखने वाले हैं जॉब रिलेटेड वर्ड्स, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है नौकरी। नौकरी को हम इंग्लिश में बोलेंगे जॉब। जॉब यानी नौकरी। नेक्स्ट वर्ड है मालिक। मालिक को हम इंग्लिश में बोलेंगे एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी मालिक। नेक्स्ट वर्ड है कर्मचारी। कर्मचारी को हम इंग्लिश में बोलेंगे एम्प्लॉई। एम्प्लॉई, एम्प्लॉई यानी कर्मचारी। नेक्स्ट वर्ड है सहकर्मी। सहकर्मी को हम इंग्लिश में बोलेंगे कलीग। कलीग, कलीग यानी सहकर्मी। नेक्स्ट वन है रोजगार। रोजगार को हम इंग्लिश में बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। नेक्स्ट वन इज बेरोजगारी। बेरोजगारी को हम इंग्लिश में बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वर्ड है बेरोजगार। बेरोजगार को हम इंग्लिश में बोलेंगे अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार। नेक्स्ट वर्ड है कार्यालय। कार्यालय को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस। ऑफिस, ऑफिस यानी कार्यालय। नेक्स्ट वन इज भर्ती। भर्ती को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती। नेक्स्ट वन है भर्ती करना। भर्ती करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिक्रूट। रिक्रूट, रिक्रूट यानी भर्ती करना। नेक्स्ट वन इज रिक्ति। रिक्ति को हम इंग्लिश में बोलेंगे वैकेंसी। वैकेंसी, वैकेंसी यानी रिक्ति। नेक्स्ट वन इज सुविधा। सुविधा को हम इंग्लिश में बोलेंगे पर्क। पर्क, पर्क यानी सुविधा। नेक्स्ट वन इज इस्तीफा देना। इस्तीफा देना को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिजाइन। रिजाइन, रिजाइन यानी इस्तीफा देना। नेक्स्ट वन इज इस्तीफा। इस्तीफा को हम इंग्लिश में बोलेंगे रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन यानी इस्तीफा। नेक्स्ट वन इज पदोन्नति करना। पदोन्नति करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रमोट। प्रमोट, प्रमोट यानी पदोन्नति करना। नेक्स्ट वर्ड है पदोन्नति। पदोन्नति को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रमोशन। प्रमोशन, प्रमोशन यानी पदोन्नति। नेक्स्ट वर्ड इज पदावंती। पदावंती यानी डिमोशन। डिमोशन, डिमोशन को हम हिंदी में बोलते हैं पदावंती। नेक्स्ट वर्ड है पदावंती करना। पदावंती करना को हम बोलेंगे डिमोट। डिमोट, डिमोट यानी पदावंती करना। नेक्स्ट वन है निलंबित करना। निलंबित करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे सस्पेंड। सस्पेंड, सस्पेंड यानी निलंबित करना। नेक्स्ट वन इज बर्खास्त करना। बर्खास्त करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे सैक। सैक, सैक यानी बर्खास्त करना। नेक्स्ट वर्ड इज छुट्टी। छुट्टी को हम इंग्लिश में बोलेंगे लीव। लीव, लीव यानी छुट्टी। नेक्स्ट वर्ड है बीमारी की वजह से जो लीव लेते हैं उसे हम इंग्लिश में सिक लीव बोलते हैं। सिक लीव, सिक लीव। नेक्स्ट वर्ड इज प्रसूति अवकाश। ये लीव लेडी प्रेगनेंसी के दौरान लेती है, इसे हम इंग्लिश में मैटरनिटी लीव कहते हैं। मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव। नेक्स्ट वन इज पैतृक अवकाश। पैतृक अवकाश मीन्स पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव, पैटर्निटी लीव मीन्स पैतृक अवकाश। नेक्स्ट वन इज वेतन। जो हमें हर महीने मिलती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सैलरी। सैलरी, सैलरी यानी वेतन। नेक्स्ट वर्ड इज वेतन वृद्धि। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि। वेतन वृद्धि। नेक्स्ट वर्ड है
वेतन कटौती, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिडक्शन, और वी कैन से डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट यानि वेतन कटौती। नेक्स्ट वर्ड इज सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिटायर, रिटायर, रिटायर यानि सेवानिवृत्ति। नेक्स्ट वर्ड इज सेवानिवृत्ति वेतन, सेवानिवृत्ति वेतन को हम इंग्लिश में बोलेंगे पेंशन, पेंशन, पेंशन यानि सेवानिवृत्ति वेतन। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरव्यू लेने वाला, जो हमारा इंटरव्यू लेता है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर। नेक्स्ट वर्ड है कार्यस्थल, कार्यस्थल को हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्क प्लेस, वर्क प्लेस, जहाँ पर हम काम करते हैं उसे हम वर्क प्लेस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है काम का भार, काम का भार को हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्कलोड, वर्कलोड, वर्कलोड यानी काम का भार। नेक्स्ट वर्ड है दफ्तर का काम, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वाइट कॉलर, वाइट कॉलर, वाइट कॉलर यानि दफ्तर का काम। नेक्स्ट वर्ड इज शारीरिक श्रम संबंधी काम, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लू कॉलर, ब्लू कॉलर, ब्लू कॉलर यानि शारीरिक संबंधित काम। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।